तो अब सब अलग अलग स्पेकुलेट करेंगे कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा हुआ है तो राजन जी ने इतना बड़ा स्टेप वो भी मतलब right? ही मेरी तो मतलब आ, एक तर, मेरी गाड़ी का तेल तक मैंने अभी जो होता है अच्छे के लिए होता है बट क्रू है सब के सब बहुत ज्यादा शॉक थे डिसीजन के साथ जब राजन ने ये चीज़ बताई नॉट वर्किंग सो ऑब्वियसली सबको एक शौक लगता है सबके एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड जैसे हम लोग ऑलरेडी हम लोग ने जर्नी स्टार्ट की थी साथ में तो जर्नी चल रही थी बोट हमारा सेल करा ही था एंड बहुत अच्छा कर रहा था बट इवेंचुअली दो लोग को ऑफ बोर्ड होना पड़ा तो इट वॉज अ शॉकिंग फिर अब क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है तो अब सब अलग अलग स्पेकुलेट करेंगे कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा एंड आई थिंक वो होता ही है जब कोई चीज़ हो जाती है और उसके पीछे का रीज़न किसी को क्लियर नहीं पता होता ना तो लोग स्पेकुलेट करते हैं कि शायद ये करा होगा या एक्स वाई जी करा होगा इस वजह से उसे बाहर जाना पड़ा बट वॉट आई फील और जो मैंने बोला भी है दे आर वॉज सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन महाबलेश्वर के टाइम से बिटवीन द प्रोडक्शन एंड देम एंड दैट एक्चुअली लेट लेट टू दर ओवरऑल सिचुएशन दैट एक्चुअली हैपेंड और फ्रिक्शन uh, से मेरा मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार अब सबका एक माइंड सेट होता है कि मुझे इस तरह से काम करना है प्रोडक्शन को चाहिए इस तरह से तो उसमें क्रिएटिव डिस्कशंस भी आप एक वन ऑफ द थिंग्स मान सकते हो द लॉड ऑफ फ्रिक्शन हैपनिंग रोहित को ज़्यादा आइडिया क्या प्रतीक्षा और uh, उनका इक्वेजन था तो प्रॉबली अगर उसने कहा है तो शायद उसका कहने का मतलब ये होगा कि अरमान वॉज लाइक रियली इन टू बट कहीं ना कहीं प्रतीक्षा थोड़ी काम काम स्वभाव की थी तो शी वॉज नॉट इन टू की वो बहुत ज़्यादा किसी को बोले या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो शी वॉज वेरी काम एंड कम्पोज गर्ल अरमान ऑन द अदर एंड वॉज वेरी आउट देयर एंड शी ही हैज़ अ प ऑफ ऑफकोर्स तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते थे एंड आई थिंक दैट्स दैट मे बी द मेजर प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन बहुत अच्छा जलप कर चुके थे एंड महाबलेश्वर के टाइम से अभी तक एन आर्टिस्ट एज अमूमन बींग हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था तो कहीं ना कहीं अब ये हमारे बीच में तो फ्रिक्शन था नहीं इट वॉज इट वॉज नॉट द आर्टिस्ट इट वॉज द प्रोडक्शन प्रोडक्शन की जो चीज़ें होती हैं ना वो बैकहेंड पे होती हैं यू नो फॉर एक्जाम्पल अगर प्रोडक्शन का बंदा मुझे कॉल करता है बेस्ट एंड इट वॉज फॉर फ्रॉम

being friendly because i think of only because of i'm i'm the uh, i'm a little matured i'm not his age so but yes it was a, it was a nice bond on, on screen so kuch to culmination hua to step otherwise rajan ji the last person to even

ए बिकॉज ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है और अच्छा, अच्छा स्मूथ चल रहा है सडनली वाई ही शुड डू समथिंग लाइक दिस तो जरूर कुछ हुआ होगा तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप द न्यू कास्ट इज कम एंड हम लोग तो वी आर देस सिंस फाइव मंथ्स एंड वी आर वेलकम दैम सो वेल ऑल ऑफ अस जो हमारी कास्ट है एंड आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल आई एम वेरी एक्साइटेड और दर्शकों की तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कुछ लोग होते हैं जो ऑब्वियसली uh, पुराने एक्टर से भी जुड़ जाते हैं बट uh, वो उनके अपने इमोशंस हैं बट मुझे बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड पीपल आर रियली दे आर सो वेलकमिंग तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बैड समटाइम्स फॉर दी एक्टर जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो बट मुझे अपना काम करना है और इस कैरेक्टर को मुझे अपनी तरह से प्ले करना है तो प्रेशर जैसी कोई बात नहीं आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं राजन सर के साथ में काम कर रहा हूँ और ये रिश्ता जैसे ब्रांड शो के साथ मुझे एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल बैड समटाइम्स फॉर द एक्टर जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो बट मुझे अपना काम करना है और इस कैरेक्टर को मुझे अपनी तरह से प्ले करना है तो प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं राजंद्र सर के साथ में काम कर रहा हूँ और ये रिश्ता जैसे ब्रांड शो के साथ मुझे एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल तो नो कि अरमान कैसा है तो जब भी टाइम मिलता है डायरेक्टर से मैं ब्रीफिंग लेता रहता हूँ क्योंकि इतना टाइम मुझे मिला नहीं प्रिपेयर करने के लिए मैं इसके पहले जितने भी शोज़ मैंने जो बड़े शोज़ किए उनमें मुझे काफ़ी टाइम मिलता रहा तो एक कैरेक्टराइजेशन करने का टाइम मिलता रहा इसमें वो मिला नहीं है बट हो जाएगा धीरे धीरे फिर राजन सर ने सारे ऐसा नहीं है कि राजन सर ने सीधा एक दे दिया कि आप जाइए ये पूरा उन्होंने बताया कि शुरू से लेके एंड तक क्या क्या चीज़ें हुई है और क्या क्या किस तरीके से क्या हुआ है क्या जो जिसमें शूटिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो उन्होंने सब बताया टीम के लिए वो बताया किस किस से क्या हो रहा है तो फिर उसके बाद जब उन्होंने डिसीजन लिया तो और वो भी मतलब ही वॉज ऑल्सो हर्ट बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर हिम ऑल्सो राइट उनके लिए भी आसान नहीं है यार मतलब दो एक इतना बड़ा शो है इट्स लाइक उन्होंने ये लाइन भी बोली थी कि यार मेरी तो मतलब आ, एक तरह मेरी गाड़ी का तेल तक आ, ये रिश्ता से मतलब इतना पुराना शो है फिफ्टीन ईयर्स से तो uh, uh, मतलब ही वो सो इंटें इतने इंटेंसिटी से वो बोल रहे थे और वो भी इतना दुखी थे ये सब जो भी हो रहा है तो uh, मुझे फिर वो जस्टिफाइड ही लगा उनका भी बट हाँ ऑब्वियसली कि शहजादा के साथ तो आई थिंक कभी फॉलो uh, अनफॉलो वाला था ही नहीं कुछ ऐसा प्रतीक्षा के साथ था बट uh, पत, शायद हो सकता है कि वो भी ऑडियंस के जो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट हुई वो देख के उसको भी शायद ऐसा लगा हो कि यार शिवम ने ऐसा बोल दिया बट मुझे एक्चुअली क्या होता है वो जो मैंने देखा वो जो टाइटल था ना न्यूज़ का वो थोड़ा सा मसाला मसालेदार था बट अगर आप वो पूरा उसको पढ़ेंगे ना पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो शायद उसने भी शायद वो पहली दो लाइन टाइटल पढ़ पड़ के यार शिवम ने ऐसा कैसा बोल दिया बट पता नहीं मुझे नहीं पता अभी मुझे भी फैंस ने बोला उसने आपको अनफॉलो कर दिया है ये है मुझे भी ऐसे मुझे भी लगा तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया बट कुछ ऐसा नहीं है अभी मैं बात करूँगा उससे कि क्या हुआ तूने कुछ गलत तो नहीं समझाया है बट आई एम जस्ट गिविंग देम ऑल्सो टाइम बिकॉज़ इतना बड़ा एक तरीके से इट विल भी डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो ना कि समझने को कि हुआ क्या का एक्टर हूँ उनके शो का मेरा समझाना एक तरह से बनता ही नहीं है और दूसरी बात है कि हम मेरा किसी भी एक्टर के साथ एक्सेप्ट अनीता मैम क्योंकि उनसे मेरी डेली बात होती है हम एक गुरुजी को फॉलो करते हैं तो हम डेली बात करते हैं बाकी किसी एक्टर के साथ भी मेरा ऐसे रेगुलर टच में मैं मतलब होती है बात इंस्टा पे कभी हाई हेलो हो गया बट ऐसा डेली वाइज़ नहीं है तो उनके साथ भी ऐसा डेली वाइज कभी नहीं था क्योंकि सब काम कर रहे हैं तेरह चौदह घंटे बाद आते हैं घर पे सबकी अपनी फ़ैमिलीज़ हैं हमारी भी अपनी फैमिलीज़ हैं बिजी हो जाते हैं फिर मैं दो ढाई महीने से घूम ही रहा हूँ आप सब मेरा इंस्टाग्राम देख रहे होंगे कभी घूम रहा हूँ कभी काम कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ तो वो नहीं रहा मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए मैं बात करूँगा ज़रूर क्योंकि प्रतीक्षा के साथ मेरी दोस्ती है तो मैं उससे बात करूँगा कि क्या है तो 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 आप तो जरूर लेंगे तो जरूर लूंगा कि तू टेंशन मत ले अभी ये जो भी है आई ट्राई टू यू नो कई बार क्या होता है बंदा uh, अपने uh, गुस्से में होता है या कुछ होता है या इरिटेटेड होता है तो कई बार कुछ ऐसा uh, uh, कुछ हो जाता है कि शायद यू नो इट्स नॉट गुड फॉर द यूनिट या वो शायद एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो हम भी ध्यान रखेंगे यार क्योंकि जब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है आज हम 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 भी तो वही हैं ना हम भी वो वैसे ही हैं हम भी एक्टर्स हैं वो भी एक्टर्स हैं और इससे ये पता चलता है कि शो से बड़ा कुछ नहीं होता कोई एक्टर नहीं कोई यूनिट नहीं अगर शो चल रहा है तो हम हम सब चल रहे हैं अगर शो नहीं चल रहा तो हम सब घर बैठे मैं चाहता हूं कि मेरा शो चले मेरा शो अच्छा चले मेरा शो अच्छा, अच्छा टीआरपी आए ताकि वो अच्छा काम करें और हम भी अपने टैलेंट को दिखाने का हमें भी तो वहीं से मौका मिल रहा है और ये बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी है मेरे लिए मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने डेढ़ महीना काम किया लेकिन मुझे जो इज़्ज़त मिली और जो प्यार मिला लोगों का वो मुझे आज तक नहीं मिला ये शो है ये कहानी है ये पैशन है तो हमसे आप प्यार करिए लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे शो से प्यार करिए जहाँ हम गलत जाते हैं स्टोरी वाइज आप हमें बताते ही हैं बट जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और मजबूरी में ही डिसीजंस हुए हैं बट हम यही कहेंगे कि यार प्यार आप देते रहिए आप देखिए आप अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है नई जो जोड़ी आए नए कपल बनेंगे कैसा कर रहे हैं आप हमें बताइए हम और मेहनत करेंगे और आपके दिल में जगह बना के ही रहेंगे बट शो से प्यार कीजिए प्लीज़